पाकिस्तानी फैसिलिटेटर्स हैं जिनकी वजह से वो ये अब तक की कार्रवाइयां करने में कामयाब हुए हैं। मैं रियाज के पास चलता हूं और ये नुकता आपके पास दोबारा वापस लेके आऊंगा। रियाज इस वक्त नाजरीन दाता दरबार के बाहर खड़े हैं और हमारे पास कोई मालूमात लेके आए हैं। रियाज शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि इस वक्त आपके पास ताजा ताजा मालूमात क्या है इस खुदकुश हमला आवर के बारे में, जिसका नाम कभी उस्मान बताया जाता है या कभी रफीक बताया जाता है, और अभी ये जो जिक्र कर रहे थे क्या इसका ताल्लुक किसी बाहर के मुल्क से है, ये कौन है, तफसील बताइएगा जरा। जी तलत, ऐसा है कि जो आज सुबह जब पुलिस ने ये अनाउंस किया कि जो खुदकुश हमलावर है जो गेट नंबर 5 पर जो जिसने पहले वजू खाने के गेट पर धमाका किया है उसकी शनाख्त हो गई है, क्योंकि उसका चेहरा बिल्कुल सही सलामत था, बिल्कुल मसक चेहरा नहीं था, जबकि दूसरा जो हमलावर था जिसने छत पर किया उसका चेहरा मसक शुदा था। और ये जो गेट नंबर 5 पर वजू खाने के बाहर किया, पुलिस का ये दावा था कि उसका नाम मोहम्मद उस्मान है और ये हडियारा बरकी का रहने वाला है, जिसके बाद मीडिया जो था वो उनके, चूंकि पुलिस को पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई थी, जिसके बाद मीडिया जो है उनके घर हडियारा बरकी गया, वहां से पता चला कि वो रामपुर एक इलाका है जो सरहदी गांव है, इंडिया जो वाघा बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर से 1 किलोमीटर के पीछे है, दूसरी तरफ इंडिया है। जब उनके हम घर गए जो मुबैना दहशत गर्द है, तो वहां जाकर हमने शनाख्ती कार्ड उसका देखा तो पता चला कि उसका नाम मोहम्मद रफीक है। आप रामपुर, रियाज का कलामी होती है, आप रामपुर इस मुबैना दहशतगर्द के घर पे गए, वहां पर उसके बहन भाइयों घर वालों से खुद जाके आप मिले? जी बिल्कुल, उनके वालदा से मैं मिला हूँ, उनकी 2-3 बहनें थी उनसे मैं मिला हूँ, उसका एक वालिद वहां पर मौजूद था उससे मिला हूँ, उसके भाई से जब बात करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका भाई लतीफ जो है उसको पुलिस पकड़ कर ले गई है, और उसके जब पूछा गया कि इससे जो करीबी साथी हैं दोस्त हैं उनसे अगर बात करवा दी जाए तो ये भी बताया गया कि 4 उसके करीबी साथियों को पुलिस ने वहां से हिरासत में लिया है, जिसको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। उसके बाद उनके जो करीबी कजन थे जो अजीज कारब थे उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि 3 साल पहले जो था ये मोहम्मद रफीक उर्फ बाबा ये जो है वो मजहबी जो रुझान है इसकी तरफ वो रागब हुआ, और उसके बाद और आहिस्ता आहिस्ता उसने एक अलहदा से अपना एक क्वार्टर बनाया गांव में ही, वहां पर अकेला रहना शुरू कर दिया। और ये भी हमें बताया गया वहां पर जो लोग थे कि उसने दम दरूद जो एक पंजाब में एक है लोगों के गांव में दम दरूद भी किया जाता है, वो दम दरूद उसने वहां पर शुरू कर दिया। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि ये दरबार क्या लेने गया था तो उनके अहले खाना का ये कहना था कि वो हफ्ते में एक दफा खुसूसन जुमेरात की रात को वो दरबार सलाम करने के लिए जाता है, रात को 8 बजे वहां पर जाता है, जुम्मे की नमाज की अदायगी के बाद वो वापस आता है। जब पूछा गया क्या वो न्याज के लिए वहां पर जाते हैं तो उनका ये कहना था, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये वैसे सलाम के लिए जाते हैं, जबकि उनके वालिद का ये कहना था तो यहाँ से दूध लेकर वहां जाते हैं न्याज के तौर पर तकसीम करने। अच्छा, ये इसका मतलब है कि अगर वो दाता दरबार के ऊपर जाने वालों में से था और अगर दम दरूद जिस तरह आपने कहा अगर उस मजहबी रिवायत का अगर वो हामी था तो वो तो फिर खुदकश हमलावर नहीं हो सकते ना रियाज? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, हमने भी उनसे यही सवाल किया कि जब कोई दम दरूद करने वाला है तो वो तो इन बुजुर्गों को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जब उनसे पूछा गया, अभी तो उनकी उम्र 20 से 22 साल के दरमियान थी, वो किस तरह इस तरह के, उनका ये कहना था कि वो चिल्ला उन्होंने काटे हैं और चिल्लों से उनको ये इलम हासिल हुआ है जिससे जो शको शुबात पैदा हुए। और उसके बाद जब हमने बहुत से लोगों से बात भी की वहां पर जाकर जो करीबी लोग थे उनका ये कहना था कि चूंकि ये मजहबी हो चुका है, मजहबी मजहब की तरफ जो खासा इसका रुझान था तो हम इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, घर के बिल्कुल सामने चंद लेकिन पहचान तो लिया ना उन्होंने, जिस शख्स का सर पुलिस के बयान के मुताबिक वो दहशत गर्द है उस शख्स को उन्होंने पहचान लिया, पहचाना तो फैमिली ने पहचाना था ना।